दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नगर निगम सोलन में सोमवार को आयोजित जनरल हाउस में कांग्रेस के पार्षद ही नदारद रहे। ये वही पार्षद हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने ही मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि संख्या बल की कमी के चलते यह प्रस्ताव हाउस में आने से पहले ही रद्द कर दिया गया था। इन पांच पार्षदों के हाउस में न पहुंचने के बाद एक बार फिर से निगम की राजनीति गर्मा गई है। बैठक को शुरू हुए एक घंटे से अधिक हो चुका है, लेकिन ये कांग्रेस पार्षद हाउस में नहीं पहुंचे हैं। बैठक की शुरुआत में निगम के पोर्टल को मजबूत करने व इसके द्वारा शहरवासियों को टैक्स और अन्य पेमेंट की सुविधा देने पर चर्चा की गई। और 20 को वो अपने ऑफिशियल प्रोग्राम्स को वो अपने फेसबुक से डाल रहे हैं। 18 तारीख को इंदौरा में रैली थी, राहुल जी की पदयात्रा थी, 20 की हमारा हाउस था। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से उनका फिक्सिंग जो है, वो जो 18 को उनको अपॉइंटमेंट फाइनल हुई है। अब मेरी और हम ये नहीं कह रहे ये टोटली इररेलेवेंट सर, ये टोटली इररेलेवेंट। हम ये कह रहे हैं आप हमारे से कंसेंट करके करते हैं। अब हमने ये नहीं कहा, अब किसी भी कैबिनेट नहीं, वो कह रहे हैं कि फोन आया था मेरे से, कोई कंसेंट नहीं किया। नहीं नहीं, फोन तो आया था मेरे सामने। हाँ, बस यही कह रहे हैं। उन्होंने 23 को कहा था, मैंने कहा अगर नहीं हम ये मैडम ये सेकंड टाइम हुआ इसलिए हमने फाइल किया। नहीं, नहीं, तो और ये मंत्री जी ने टाइम दिया था हमको कि मैं 23 को आ सकता हूँ, 20 को नहीं आ सकता, तो इसी के हिसाब से रखी गई। मैडम जी इफेक्टिवली कोई नहीं, पर 1100 में पता क्या जी, एक वॉइस आपका मैसेज है ना, लेकिन इसमें ऑथेंटिक एक रिटर्न आपका कंप्लेन है। एक चीज बताओ सर, जैसे पीसीपी जो पोर्टल है सर, उसमें उसी में ही इंक्लूडेड है पब्लिक रेफरेंस, उसमें शिकायत जो आएगी वो उसमें अपने आप पोर्टल में आ जाएगी, कंसर्न जेई के पास चले जाएगी, जो भी कंसर्न जेई होगा उसके पास टाइम लिमिट होगा पब्लिक सर्विस के पास का, वो ग्रीन शो करेगा सर, और जैसे वो 5 दिन से ऊपर हो जाएगी तो येलो और फिर रेड हो जाएगा, वो आगे चल सकते हैं सर। एक पॉइंट है, अगर इसमें हम देखें कि हमारा अपना यूनिक अपना सेटअप वो ग्रीवांस का, और जनता को लगे कि जी चलो 1100 है बट उसका पूरा सेटअप अलग है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।